असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई है, विधायक है हैदराबाद से। जेल में तो नहीं है ना वो? इस देश के अंदर बहुत सारे लोग जेल में नहीं है, फिर तो नुपुर शर्मा भी जेल में नहीं है, तो क्या दिक्कत है? तब तो आप लोग मौका दे रहे हैं ना सर उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इनके लिए मुल्क से बड़ा इस्लाम है। आप देखिएगा, हमें हम लड़े, दंगा करा, नमाज पढ़ी, अपने घर आ गए, जाओ जाकर के मोदी को बताओ। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दराज धर्मा। आज कानपुर में जो हिंसा हुई उसके ठीक एक हफ्ते बाद यूपी के मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, यहाँ की दिल्ली में भी जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिमों ने अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। क्या उनके विरोध प्रदर्शन की वजह है इसको जानेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल हैं। अंकल जी आपका नाम? मोहम्मद जमील। अंकल जी, क्या क्या आज का मुद्दा क्या था प्रोटेस्ट का? आज का मुद्दा जो हमें पता चला है, खबरों में पड़ा है कि नूपुर शर्मा है लड़की, तो उसने प्रॉफिट के बारे में बहुत ही घृणा योग जो है जनक जो है शब्दावली यूज़ की है। गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए जो है नूपुर को उनकी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, साथ में नवीन जिंदल को भी बर्खास्त कर दिया। अब जब कार्रवाई हो गई है तो प्रोटेस्ट का क्या मतलब है, जनता ये पूछना चाहती है। नहीं, ये जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जब भी होती रही हैं ऐसे मामलों में, तो वो संतोषजनक नहीं रहती। क्या है संतोषजनक कार्रवाई? संतोषजनक का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट पास हो चुके हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, वो लोगों को आईवाश करने के लिए ना, तो वो ये ऐसे एक्शन ले लेती है, बाद में उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ये मुद्दे उठ जाते हैं। तो अगर सिंसियरली गवर्नमेंट जो है इन बातों में सिंसियरली एफर्ट करे, तो मेरे ख्याल से किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई ऐसा एक्शन कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जब पार्टी से निकाल दिया, पार्टी प्रवक्ता के रूप में ही ये बात कही थी, जब निकाल दिया तो इसके अलावा और क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए उस डिबेट को, तो डिबेट में सिर्फ एक पक्ष से तो बात बोली नहीं गई, दूसरे पक्ष से भी बात बोली गई, और दोनों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दलील दे रहे हैं कि बोलने की आज़ादी है। नहीं, मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसका भी कुछ दायरा है। ऐसे नहीं कि किसी की जो है भावनाओं को ठेस किया जाए, लेकिन फिर उसकी आज़ादी का भी मामला लिया जाए। तो इस तरह से जब हमें पता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नहीं कर सकते हैं, तो वाई दे आर डूइंग लाइक दैट? तो उसके बारे में अगर एक्शन प्रॉपर होता है, सिंसियरली होता है, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में तो कोई आगे आ ही नहीं सकता ऐसी बातें बोलने। लेकिन आज 75 साल की डेमोक्रेसी हो गई है हमारी, हमने बहुत सारे बड़े बड़े मसले जो है वो सुलझा लिए, तो बाहरी देश का जब इसके ऊपर कमेंट आया तो देश के मुसलमानों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? जब कतर ने भारत के खिलाफ कुछ बोला तो क्यों नहीं बोला कि भैया ये हमारा अपना मामला है, तुम इसके ऊपर टांग मत लड़ाओ? नहीं, आपका जो ये क्वेश्चन है ना, उसका मेरे हिसाब से जो ये बात बनती है कि कोई एक्शन जब इंटरनली गवर्नमेंट फेलियर होती है तो आउट ऑफ कंट्री भी मामले जाते हैं, लेकिन उनको हमें सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, या जो लिया है उससे उनको संतुष्ट करना चाहिए। तब तो आप लोग मौका दे रहे हैं ना सर उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इनके लिए मुल्क से बड़ा इस्लाम है। किन को लिए? मुस्लिम्स के लिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ना हमारे इस्लाम में है, ना हमारे किसी भी एजुकेशन में है कि हमारा इस्लाम जो है उसकी जो प्लेस है वो अपनी प्लेस है, कंट्री की अपनी प्लेस है। हमें कंट्री को जो कानून है उसको पहले मानना है, लेकिन इस्लाम को तो अपना पर्सनल मामला भी है, हमारा कम्युनिटी का मामला भी है, उसमें ऐसी बात नहीं है कोई। फिर इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही हैं लगातार? करवाई जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रही हैं, करवाई जाती हैं लोगों से, जानबूझकर माहौल ऐसा बना दो, बेचारे जितने भी इलिटरेट पर्सन हैं या कुछ मिसगाइडेड पर्सन है वो बीच में आते हैं और कम्युनल हारमोनी को ख़राब करते हैं। तो उनका मसला जो गवर्नमेंट का मसला है इधर उधर भटकाने का, उनका कामयाब हो जाता है। एक और बड़ा पक्ष है जिसके ऊपर बार बार चर्चा हो रही है, एक नूपुर शर्मा के ऑपोजिट में अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी आवाज़ें जो हैं वो उठाई हैं, और उन पर भी हेट स्पीच का जो है वो एक मुकदमा FIR दर्ज कर दी गई। हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहा, ओवैसी ने कभी भी किसी भी धर्म को मतलब आज तक बुरा नहीं कहा। आप ये देखिएगा, अचानक मतलब ये कानपुर के दंगों के बाद एक मैसेज, मतलब जिनको हम लोगों ने कहा ये फेक है फेक है फेक है, उस फेक का आप असर देखें। ये सब वो हैं जो आशिक़ रसूल हैं, ये कौन लोग हैं? आशिक़ रसूल हैं। उसके बावजूद हमारे मुस्लिम लीडर, मुस्लिम नेता
सारे हमारे मौलवी मुल्ला आलिम सब ने ये कहा हमारी तरफ से कोई बंद नहीं है। अब ये देखिएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ शरेआम गुस्ताखी की जाती है, उसके बावजूद भी मुसलमान सब्र से जामा मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ के और उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करा के अपने घर पे आ गया। क्या हम क्या हमसे बड़ा कोई सेकुलर है? बताइए मुझे आप, हमसे बड़ा कोई सेकुलर है? सेकुलरिज्म जिनके लिए दुनिया बनाई गई है, यहूदियों ने एक कुरान एक मोहम्मद 400 साल इसके ऊपर रिसर्च किया है, काश कोई गलती मिल जाए, ना नबी में मिली ना कुरान में मिली। उस नबी के शान के खिलाफ एक मामूली सी वकील कहती है अरे ये क्या नबी है, तो वो अच्छी बात है। अब देखिएगा हमें, हम लड़े दंगा करा नमाज पढ़ी अपने घर आ गए, जाओ जाकर के मोदी को बताओ। अच्छा सुनिए तो अंकल जी, आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वही अकबर उन्हीं के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने हिंदू जो देवी देवता हैं उनके ऊपर किस तरीके के बयान दिए हैं वो याद होंगे आपको। उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ को कहा है कि भैया हर दिन एक नया भगवान पैदा हो जाता है, ये कैसा धर्म है जी? तब तो ये आवाज़ें नहीं उठती। अकबर ओवैसुद्दीन जो है उसका कोई हिमायती है मुसलमान? असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई है, विधायक है हैदराबाद से, उनके ऊपर केस बना, उनका कोर्ट ने बरी करा। अब आप क्या? कोर्ट ने बरी नहीं किया। नहीं कोर्ट ने बरी नहीं किया, अभी चल रहा है ट्रायल। जेल में तो नहीं है ना वो? इस देश के अंदर बहुत सारे लोग जेल में नहीं है, फिर तो नुपुर शर्मा भी जेल में नहीं है, तो क्या दिक्कत है? तो हम उसके साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। तो नुपुर शर्मा भी अगर जेल में नहीं है तो क्या दिक्कत है? हम तो हमारे नबी को बुरा कहा जाएगा, मस्जिद मदरसों को गाली दी जाएगी, उस पर हम आवाज़ उठाएं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मंदिर देवी देवता इनका अपमान किया जाता है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, तो फिर मुस्लिम आवाज़ें क्यों नहीं उठती हैं उनके खिलाफ? इनके खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी, मुनव्वर फारूकी, एमएफ हुसैन जैसे लोगों के खिलाफ, और ये जो आरएसएस के लोग जो बोलते हैं। अभी आप देखो एक मैडम क्या कह रही है कि मस्जिद के अंदर 25 आदमी नमाज पढ़ेंगे और जिस मस्जिद के अंदर जलसा या जुलूस होगा उस मस्जिद को हम तोड़ देंगे, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये दोनों तरफ से हैं, इधर से भी दोनों तरफ से आते हैं, ये दोनों तरफ से आते हैं। एक तरफ की प्रतिकार पे तो रिजल्ट की बात होती है, नूपुर के ऊपर एफआईआर हो गई, उनको पार्टी से निकाल दिया, उससे खुशी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी आज भी विधायक हैं एआईएमआईएम के, उनकी बर्खास्तगी की रिमांड तो कभी नहीं की। हम उनके साथ नहीं हैं। आप उनके साथ? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ? नहीं, उनके भी साथ। असदुद्दीन, अभी शुरुआत में तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे थे। नहीं, हमारे लीडर हैं। मैंने ये कहा है कि उन्होंने किसी मजहब को बुरा नहीं कहा, बताओ किस मजहब को बुरा कहा? उनके भाई ने तो कहा ना। भाई में फ़र्क भी तो होता है ना, तो भाई क्यों नहीं निकाल देता पार्टी से? भाई राम है, एक भाई लक्ष्मण है, भाई भाई में फ़र्क नहीं होता। तो दोनों भाई धर्म के रास्ते पे चले, दोनों में कहाँ फ़र्क है? एक भाई ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया जब पता चला कि भाई सुन रहा है ना, उन पर केस नहीं चल रहा। ऐसा ही केस तो नूपुर के ऊपर भी चल रहा है, तब ये प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे ये हमने कोई बंद नहीं करा और ना हमने कुछ करा। ये कुछ लोग मोहब्बत में आए हुए थे और अपने घर गए। अंकल जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कही इस पर योगी पे कोई केस नहीं चल रहा, इतने मर्डर के केस हैं इसके ऊपर योगी पे, उसमें देखो नेट पर। हाँ तो इस पर कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हाँ इतने जो 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 कर रहे हैं ये, जैसे मान लो योगी साहब, तो इन पर कोई केस नहीं है। साथ कुछ युवा बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है इस पर क्या कहना है आप? प्रोटेस्ट जो हुआ है वो एक तरीके से गलत भी और सही भी है। गलत इस तरीके से कि ये यहाँ पे आने का एक वो था कि जो इससे मोहब्बत करते हैं, हमारे हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं, वो आके अपने तरह से गुस्सा जाहिर करते हैं, क्योंकि ये गलत चीज़ है जो बोली गई है, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और जहाँ तक कि आप बात कह रहे हैं, मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो या फिर कोई ऐसा लाइन वाइन कुछ फ़ोटो मैंने देखा नहीं कि जो हम वो करते हैं। और आप मुनव्वर फारूकी के जो बोल रहे हैं वो हंसी मजाक में करते हैं, वो हमारे पे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदू धर्म का ही करते हैं, वो हमारे पे भी करते हैं। हंसी मजाक में भी किसी की भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो वो तो गलत है ना? तो वही तो, और वो केस चलना है उन पर भी, ऐसी बात नहीं है कि उन पर केस नहीं, उन पर भी केस चलना है। जब नूपुर पे केस चल ही रहा है तो प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? तो हम थोड़ी करते हैं अंकल, जो आए हुए थे इन्होंने प्रोटेस्ट सही किया है? आपको क्या लगता है इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो सही किया है? इस बात से दो तरफ की वो हो रही है, मतलब दोनों तरफ हो रहा है, एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। जब केस चल रहा है तो सही कैसे है?
भी बात सही है आपकी। जब केस चल रहा है तो सही कैसे है? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी पे केस चल रहा है, ठीक है, तो उस मुनव्वर फारूकी के खिलाफ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, तो दूसरी तरफ जब नूपुर पे केस चल रहा है अब, तो फिर प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? इससे तो कानपुर जैसी स्थिति जो है हम दिल्ली में भी उत्पन्न करना चाहते हैं। मैं जो कुछ बोलने नहीं,